5 मिनट फिजिक्स में आज सीखेंगे बच्चों सर्किट सॉल्व करना सिंपल तरीके से. सो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सौरभ शर्मा फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ फिजिक्स ग्वालियर. आइए देखते हैं बेसिकली क्या होता है कि IIT-JEE और नीट में जब हम जाते हैं तो एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम, हमें भाई हम ये सोचेंगे टाइम हमें कम खर्च करना पड़े, तो उसके लिए जो हमारी 5 मिनट्स फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं इसमें क्या है कि सर्किट को इजीली कैसे सॉल्व किया जाए. एक तरीका जो कि बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, वो हम जानते हैं, हम लूप बनाएंगे सर्किट को सॉल्व कर लेंगे और बहुत तरीके से सॉल्व कर पाएंगे वो. लेकिन वो बोर्ड में तो अच्छा है, लेकिन जब IIT-JEE और नीट में जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो वो तरीका थोड़ा सा हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग. तो सिंपल तरीके से देखते हैं, ठीक है, सर्किट को करेंगे जीरो बिकॉज यू आर हीरो. कैसे, ध्यान से समझिएगा. जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, ये बैटरी लगी हुई है 7 वोल्ट की, और ये जो बैटरी लगी हुई है ये मेरे पास लगी हुई है 9 वोल्ट की, ठीक है. अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरे पास बैटरी इस तरह से लगा के मेरे को दी गई है, अब मेरे से पूछा क्या गया, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई इस वाले ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में जो करंट है फॉर एग्जांपल आई, ये कितना करंट जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे को बता दीजिए. तो कैसे बताएंगे इसकी वैल्यू को, तो एक तरीका तो ये कि भाई साहब आप लूप बना लो, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लो लगा दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. दूसरा तरीका ये कि सर्किट को हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे. अब सर्किट को जीरो का मतलब ये नहीं कि सर्किट मिटार देंगे बोर्ड पर से, जीरो का मतलब क्या करेंगे कि भाई अगर कोई वायर ज्वाइन है तो अब एक चीज देखना, मैं किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को क्या मान सकता हूं, जीरो मान सकता हूं. इस मेथड को बोलते हैं भाई जीरो पोटेंशियल मेथड या जीरो पोटेंशियल टेक्निक. कैसे, तो देखो मैंने क्या बोला कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के पोटेंशियल को मैंने क्या मान लिया, जीरो वोल्ट, ठीक है. इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल वायर है इस पॉइंट के पोटेंशियल को भी क्या मान लिया मैंने बेटे, जीरो वोल्ट. और इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को भी क्या मान लिया मैंने, जीरो वोल्ट. अब मैंने क्या बोला कि भैया अगर ये बैटरी लगी हुई है, अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर इस एंड का पोटेंशियल जीरो है तो इसका कितना होना चाहिए, टोटल तो 12 रहना चाहिए. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरे बेटे, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट. अगर मैं देखूंगा इसका जीरो है, इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बैटरी 9 वोल्ट की है तो 9 वोल्ट. और इस वाले पोटेंशियल, इस वाली ब्रांच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरे बेटे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 वोल्ट. अब एक चीज मैं देखूं कि ये 12 और जो 7 वोल्ट है इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो भाई कितना है मेरे पास, ये 5 वोल्ट. और अगर मैं इस वाली ब्रांच में देखूं इन दोनों ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे बेटे, तो ये कितना है 2 वोल्ट. ये दोनों का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. अब मेरे पास जो इस वाली ब्रांच में जो करंट जाएगा, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये जो करंट होगा ये मेरे पास I1 होगा, और यहां से जो करंट आएगा मेरे बेटे, इस वाली बैटरी से जो करंट आएगा फॉर एग्जांपल ये I2 करंट होगा, ठीक है. अब क्या किया जाए, I1 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, I क्या होता है, E/R या V/R, तो V कितना है मेरे पास 5 वोल्ट, और ये कितना है मेरे पास 5 ओम, तो कितना आ गया ये मेरे पास 1 एम्पियर का. अब मैं सिमिलरली अगर इसको देखूंगा तो भाई ये मेरे पास I इक्वल्स टू E/R या V/R, तो मेरे पास V कितना है 2 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये भी कितना करंट हो गया 1 एम्पियर का. सिमिलरली अब ये करंट जब इधर I1 आएगा और इधर से मेरे पास I2 आएगा तो इधर कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, तो ये कितना चला जाएगा इसमें 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर मेरे बेटे, ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर. सो इट इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि मेरे से पूछा गया था. इससे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ये मेरे पास आंसर आ गया, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्टली इसके थ्रू गए होते किरचॉफ वोल्टेज के थ्रू तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होता बेटे. तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, JEE मेंस, JEE एडवांस के लिए, नीट के लिए. थैंक यू बच्चों, आगे की बातें अगले वीडियो में.